हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। इधर हम जा रहे हैं कड़ा प्रसाद बनाने। तो कड़े प्रसाद के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो लिया है 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी देसी घी, 1 कटोरी है चीनी हमारी, ठीक है। चीनी और घी और आटा नाप के लीजिएगा, एक कोई भी कप कर लीजिएगा या आपके पास कोई भी नाप हो उससे आप नाप लीजिएगा। इधर डाल दिया हमने कढ़ाई में घी, देसी घी। इसको हल्का सा गुनगुना होने दें, जैसे ही वैसे ही हम डाल देंगे आटा, ठीक है। गेहूं का आटा लिया है दोस्तों, कड़ा प्रसाद गेहूं के आटे से ही बनता है। अगर मोटा आटा हो गेहूं का उससे तो और यमी बनता है। सो इसको हम घी में अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, ठीक है। गैस की फ्लेम हाई मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नीचे लगने का डर होता है। इसको छोड़ के भी कहीं मत जाइएगा, इसको हिलाते रहिएगा, कंटिन्यू हिलाना है आपको और लो फ्लेम पे ही हिलाना है। बस धीरे धीरे हाथ से इस तरह से हिलाइएगा और भूनते भूनते इसको गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दोस्तों, जिस तरह से बिस्किट का कलर होता है वह कलर हमारा आ जाएगा आटे में, ठीक है। आटा जैसे ही कलर चेंज करेगा हम डालेंगे चीनी इसमें। तो अभी तो ये भून रहा है अच्छे से, इसको भूनेंगे, टाइम लेता है थोड़ा सा क्योंकि गैस की फ्लेम हमने लो कर रखी है, हाई फ्लेम पे नहीं इसको भूनना है। ये देखिए बबल आने लगे हैं आटे में, हल्के हल्के थोड़ा सा रनी सा हो जाएगा और जो हमारा आटा है भूनते भूनते थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से, लेकिन इसको बिल्कुल हिलाना बंद मत करिएगा दोस्तों, बस धीमे धीमे हिलाना है, ठीक है। ये देखिए कलर आ गया है दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया, बिस्किट जैसे होते हैं जो हम लोग बिस्किट खाते हैं उसका कलर आ जाए। फिर डाल देंगे, इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें चीनी, और चीनी डालने के बाद हम डालेंगे 2 कटोरी, जिस कटोरी से हमने चीनी हमने नापी थी, आटा नापा था, वही सेम कटोरी से 2 कटोरी हमें पानी डाला। लेकिन दोस्तों ध्यान से डालिएगा, हलवा हमारा गर्म है, इसमें घी पड़ा है तो पानी जब डालेंगे तो ऊपर को आता है, तो इसलिए ध्यान से डालिएगा और धीरे धीरे बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए हलवा पकने लगा है, हिलाते रहिए, धीरे धीरे पक जाएगा और जितना मॉइस्चर है वो सारा चला जाएगा। आटे ने सारा मॉइस्चर सोख लिया है, पानी सोख लिया है। ये देखिए घी की वजह से हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है, हमने ढक दिया था हल्का सा इसको। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई पकड़ नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है। आइए तो इसको सर्व कर लेते हैं दोस्तों। और मेरे आपको मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा है दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यम यमी ये हलवा बना के देखिएगा। वैसे तो कड़ा प्रसाद बिना ड्राई फ्रूट्स से खाते हैं, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को खिलाइए, परिवार में सभी को खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।